अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सईदुद्दीन। तो आपको तो थंबनेल लेके ही पता चल गया होगा आज हम बिरयानी पकाए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सईहा। मम्मा आप तो कुछ तो बोलो मम्मा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग तो आपके ही सपोर्ट से बहुत अच्छे हैं। इन लोग ना रात में खाना नहीं खाए हैं क्योंकि इनको सब्जी नहीं पसंद आई है, इसलिए मैं सोची बिरयानी बना देंगे। कई को बोले तो इन लोगों को बिरयानी बहुत पसंद है। आधी में आधी तो हो ही जाएगी फ्रेंड्स। सब्जियों से परेशानी है, इन लोग बिरयानी बहुत अच्छा पसंद से खाते हैं। हाँ गाइस, हमको बिरयानी बहुत पसंद है। चलो बना देंगे। मम्मा बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं, आपको देख लो पानी आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए बता दे मम्मा। चलो चलो देखिए, तो ये रहा हमारा हॉल, ये रहा हमारा सोफा, ये रहा हमारा डाइनिंग टेबल, इस पे ही हम लोग हर रोज खाना खाएंगे। मैंने पहले ही गोश्त को वॉश करके रख लिया है, इसलिए मम्मा हमारे तो ही गड़बड़ कर रही है। मम्मा सब्जी और ये सब कट करके रख लिया है, जैसे कि प्याज से थोड़ा बढ़ के है गोश्त। नमक, साल्ट, थोड़ा लाल मिर्च भी डालना है इसमें। थोड़ी हल्दी, तो मैंने इसमें हरी मिर्च पीस कर रखा है। और एक एक पैकेट है, और ये वाली सेकेंड, ये वाली अदरक लहसुन ला दो, फ्रिज में है। पुदीना डालना है इसमें, फरीहा ने तोड़ के रखी है रात में। फ्रेश फ्रेश है ये अदरक लहसुन का पेस्ट, अभी फ्रिज में से आया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने चार नींबू ले लिया है, चावल पहले ही धो के रख दिए हम, थोड़ा सा भीग जाए तो अच्छा होता है ना फ्रेंड्स। गरम मसाला है ये, गोश्त गलाने में थोड़ा हेल्प कर देता है। टेस्ट नमक है ये, और इसमें विनेगर डालना है। थोड़ा सा विनेगर, टमाटर सॉस है, टोमेटो, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये रही कसूरी मेथी, इसको अच्छे से डाल लेंगे हम। कस्तूरी मेथी है, थोड़े टमाटर भी डाल देंगे, और नेक्स्ट डालेंगे इसको भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और
लेग पीस चार है ना, हम लोगों चार लेग पीस है। और एक कंघी, तो इसको ढाक के रख देना है। मुझे तो एक लेग पीस बस, पेट पूरा भर जाएगा। प्याज को अच्छे से तल लिया। चलो ऑयल थोड़ा फ्राई होना ना, इसलिए थोड़ा बढ़ के डाल देना, बहुत डालना पड़ता। इसको हीट होने छोड़ देंगे। और नेक्स्ट टाइम वो ऑनियन डालेंगे। हाँ तो हम लोग इस पे रख लेंगे चावल के लिए। और जा रहा है सॉल्ट, नमक डालेंगे। बिरयानी पत्ता है ये। लौंग डाल दो, बस है। इसको ढाक के रख देंगे। ऑनियन ऑयल गरम हो गया है। okay. प्याज कर लेंगे। कितने बलून्स प्याज को अच्छे से तल लेना है हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, मैं प्याज तल रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ठहरने नहीं आया तभी स्टूल डाल लिया है ना, देखो। देखिए फ्रेंड्स, कितना गर्म है, तेल भापा जा रही है। पानी और पकना है ये। चावल तो मैं पहले ही धो के रख दी थी, अच्छा भीग जाता है। और अभी हिलाओ ना पता। कहाँ जा रहे बहदीन? मैं बाहर। बाहर जा रहे? पकाना तो बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स। मैंने तो हमारे मम्मी ने कैसे बनाते हैं कि इतनी मुश्किल होती है ना पकाने के लिए। आप तो सब्जी के लिए, सब्जी खाने के लिए बहुत मुश्किल होता है आपको। बट वो सब्जी नहीं पसंद, ये सब्जी नहीं पसंद बोलते हो तुम। बट मम्मा हम लोगों को नहीं पसंद है तो हम लोग कहेंगे ना। प्याज लाल हो गई है, अब इसमें से निकाल देंगे हम लोग। एक प्लेट में निकाल देंगे। अच्छी हो गई है, देखिए फ्रेंड्स, ऐसा तलना है प्याज को। निकालना है एक प्लेट में। इधर ये ऐसे ग्लास से चार ग्लास चावल लिए हैं मैंने। तो ऑयल, ऑयल भी चार स्पून ले लेना है। गरम वाला ऑयल लेना है जो हमने प्याज तल लिए हैं वो लेना है। घी, सोय थ्री और लास्ट ऑयल कम रह जाता है, अच्छा लगता है। घी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। Thank you.
डाल देना है इसमें और ये गार्निश के लिए रख देना है। ठीक, देखेंगे खोल के। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है। इसमें थोड़ा ऑयल डालने से चावल अलग अलग हो जाते हैं। और मम्मा डाल रहे हैं चावल। ये पहले ही मैंने भिगा के रख दिया है चावल। ठीक, ये चार पीस खाने के बीच में डाल देंगे हम लोग, क्योंकि एक साथ नहीं गलता है ना, इसलिए थोड़ा निकाल के बीच में डाल देना है। ठीक है, हल्का सा पकना है, ये ज़्यादा नहीं पकने देना है इसको। बस इतना ही पकना है फ्रेंड्स। हटो। और मम्मा डाल रहे हैं राइस। पकड़। और इसमें चावल डाल देना है। इसके बाद हम लोग जो लेग पीस काट के रखे थे ना, वो डाल देना है, ताकि ऊपर डालने से अच्छे से गल जाता है। मम्मा डाल रहे हैं लेग पीस। कच्ची बिरयानी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसको गलाते नहीं ना हम लोग, इसलिए। इसके बाद इसमें चावल डाल के अच्छे से कवर कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा डाल देना है इस पर और गार्निश कर लेना है। ओके, चलिए फिर प्याज डाल लेना है। कलर नहीं डाल रहे हैं हम, कलर नहीं डालेंगे हम, क्योंकि वाइट राइस बिरयानी है, इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। यस, थोड़ा खुशबू अच्छी आएगी और खाना अच्छा दिखेगा। और बहुत टेस्टी भी होगा। एक दस्तर से अच्छे से कवर कर देंगे, अच्छे से ढाप देना है इसको, ढाप कहीं से भी नहीं जाना है। बिस्मिल्लाह करके रख देना है। स्टोव ऑन कर देना है, अच्छा सा गर्म होना चाहिए ये। इस पे थोड़ा अच्छा वजन रख देना है, ऐसा पलटाना है, ये आंच अच्छा होना है। 5 मिनट्स अच्छा रख देना है इसको, फुल पे रख देना है 5 मिनट्स। साइडों से भी अच्छा लगा लेना।
5 to 10 मिनट्स लो फ्लेम में भी रख देना है इसको, ताकि अच्छा दम हो जाती है ये। चलो फ्रेंड्स बंद कर देंगे। चलो कितनी लेट हुई है फ्रेंड्स बनने में। बन गई बिरयानी? हाँ बन गई। तुम डाइनिंग टेबल पे बैठो। चलो चलो दस्तर बिछाओ। चलो प्लेट्स निकाल लो। तो फ्रेंड्स बिरयानी जो निकल गई है सो खोलते हैं। व्हाइट राइस बिरयानी है ये, इसमें कलर नहीं डालेंगे। हाँ गाइस चलो चमचा ले लो, स्पून ले लो, टेबल के पास लेके चलो। तुम प्लेट ले वहीदीन। हाँ। और मैं ढाई का रायता ले। आप ढाई लेके आओ, मैं ठीक है। चलो बैठो। तुम बैठो जी। तुम ये देखिए गाइस व्हाइट राइस की बिरयानी है, स्पेशल रेसिपी। मुझे टेस्टी टेस्टी लग रही है देखने में, पता चल रहा है कि खाने में कितनी टेस्टी होगी। नींबू होना आपको? नको नको आपको होना तो फ्रिज में है आपके लिए। चलो ठीक है डाली जाए स्पेशल ड्रेस। एक ही बस है? हाँ बस मेरे भी एक ही बस है। बस फिट फिट हो जाएगा। थोड़ा सा टेस्ट करके बताना। बिस्मिल्लाह पढ़े। याद है। चलो देखें फ्रेंड्स बच्चे क्या भी रेसिपी पूछें दे, माँ बाप का फर्ज होता है कौन सा भी पकान दे, पूछ के पका के खिलाना पड़ता है बच्चों के लिए। हर माँ बाप का, माँ का तो पहला फर्ज होता है। बहुत अच्छी है। अच्छी है? हाँ। ए, 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 ए। टेस्टी है। अरे सब्सक्राइबर्स के लिए हमारे फ्रेंड्स के लिए। और हम लोग दोनों, हमारे को इन लोग दोनों, यही है हमारी जिंदगी, हमारी दुनिया। आप लोगों का ही सपोर्ट है हमारा, हर खुशी में आपको शेयर करते हैं हम, चाहे यहाँ तक कि हम लोग क्या पकान दे, क्या नई चीज़ खरीदें दे, आपको ही पहले बता देते हैं हम लोग। तो गाइस हम लोगों के चैनल पे नए देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप ना कितने मिलियन का लाइक है? 1 मिलियन। 1 मिलियन का टारगेट है ना? हाँ चलो जल्दी कर देना। ठीक है इस वीडियो पे 1 मिलियन होना। कर देते बहुत अच्छे है ना हमारे ऑडियंस, हम लोगों को डेली फॉलो करने वाले।
तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दो, बिरयानी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक भी कर दो, हमारे चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लो, हमारे को सपोर्ट करो ताकि और अच्छी वीडियोस हम लोग डाल सकें। तो चलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।